जम्मू कश्मीर में मस्जिद पर हमला, अजान पढ़ते वक्त मस्जिद में गोलीबारी, अजान पढ़ रहे रिटायर्ड एसएसपी की गोली मारकर ले ली जान। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में दहशतगर्दों ने एक बार फिर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया है। आज तड़के दहशतगर्दों ने मस्जिद पर अटैक कर दिया है। इस अटैक में दहशतगर्दों ने जमकर गोलीबारी की। दहशतगर्दों ने ये गोलीबारी तब की जब मस्जिद में अजान दिया जा रहा था। दहशतगर्दों ने इस गोलीबारी में जम्मू कश्मीर के एक रिटायर्ड एसएसपी की गोली मारकर जान भी ले ली, वो भी उस वक्त जब वो मस्जिद में अजान दे रहे थे। जम्मू कश्मीर के बारामूला के गेंटामूला में मस्जिद पर हुए इस अटैक के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस अलर्ट हो गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दहशतगर्दों की तलाश में गहन सर्च अभियान शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले में अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर इस घटना की जानकारी भी दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लिखा है, आतंकवादियों ने गेंटमूला श्री बारामूला में एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी श्री मोहम्मद शफी पर मस्जिद में अजान पढ़ते समय गोलीबारी की और वो घायल हो गए। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है, अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस का ये ट्वीट तब का है जब रिटायर्ड पुलिस अधिकारी मोहम्मद शफी घायल हुए थे, क्योंकि अजान पढ़ते वक्त उन्हें गोली लगी थी। तब उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये दावा जरूर किया है कि मोहम्मद शफी जब मस्जिद में अजान कर रहे थे तभी उन पर गोलियां चलाई गई हैं। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह दावा किया है कि इस अटैक को लेकर संबंधित इलाकों को पूरी तरह से घेर लिया गया है और दहशतगर्दों की सघन खोज जारी है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में बीते दिनों में ये दहशतगर्दों की तरफ से की गई दूसरी कायराना हरकत है। इसी गुरुवार को दहशतगर्दों ने राजौरी में सेना की दो गाड़ियों पर घात लगा कर अटैक किया था, जिसमें सेना के 4 जवान शहीद हो गए थे और 3 जवान घायल भी हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी PAFF ने भी ली थी। PAFF को लश्कर ए तैयबा का ही शाखा माना जाता है। माना यह भी जाता है कि वो घात लगाकर हमले करने में मास्टर हैं। राजौरी में कायराना हमले के बाद सेना की तरफ से चलाए जाने वाले सर्च ऑपरेशन का आज 4th दिन है। इसी बीच बारामूला के मस्जिद पर दहशतगर्दों की तरफ से की गई गोलीबारी उनकी एक और कायराना हरकत का सबूत जरूर दे रही है, क्योंकि मस्जिद में हमला और वो भी अजान देते वक्त किसी को गोली मार देना, ये तो जरूर साबित करता है कि दहशतगर्दों को धर्म और मजहब से कोई सरोकार नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आज जो घटना हुई है वो कदापि नहीं होती। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।